दिया। कार तो मैंने बेची है क्योंकि मुझे फाइनेंस का इशू आया था, तो उसके मजबूरी मुझे कार बेचनी पड़ी और लोगों के ऑक्सीजन लाना पड़ा। कि मेरा एक फ्रेंड है जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है, हम लोग साथ में काम करते हैं और हम लोग बचपना भी हमारा साथ में गया है हम लोग। तो उसकी बहन रहती थी जो उसकी कज़न सिस्टर थी मुंबई सिटी मुंबई से नज़दीक है। तो और अचानक से उसको एक दिन ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुआ, उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई और उसकी 6 महीने प्रेगनेंट भी थी। और तो उसके हस्बैंड ने सोचा कि उसको हॉस्पिटलाइज करा देता हूँ ताकि उसका जो सैचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है वो मेंटेन रहे और आगे वो ट्रीटमेंट करा सके। तो उसके हस्बैंड ने एक ऑटो बुलाया और ऑटो में उस औरत को रखा और वहाँ मुमरा के कई हॉस्पिटल्स लेके गए, लेकिन वहाँ पर सबके अपने अपने बहाने थे। एक हॉस्पिटल ने कहा पहले आप कोविड टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट लाएं, फिर हम एडमिशन देंगे। दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। तीसरे ने कहा हमारे पास ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स ही नहीं है। और लास्ट में एक हॉस्पिटल के गेट पे आकर उस लेडी ने ऑटो रिक्शा के अंदर अपना दम तोड़ दिया। तो मैंने सोचा हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब लोगों को टाइम पे ऑक्सीजन सपोर्ट मिल पाए। और जो गाड़ी बेचा मैंने, तो गाड़ी इसलिए बेचा क्योंकि जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुझे लेने थे तो मेरे पास में फाइनेंशियली वीक हो गया था मैं। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि मतलब गाड़ी बेच दूंगा मैं, और जो गाड़ी बेच के जो पैसे आएंगे उसके हम लोग सिलेंडर्स लाएंगे और सिलेंडर्स हम लोग लाएंगे जो, तो हम उन पेशेंट्स को देंगे जिन लोगों को बेड और ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रहा है, ताकि उनकी जान बच सके। और सबसे पहला रेशन की प्रॉब्लम आई लोगों को, तो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर लोगों को रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद में हमने देखा वायरस बहुत स्प्रेड हो रहा था, तो हमने हर गली हर चौक सोसाइटीज बिल्डिंग स्लम्स और मैं सैनिटाइजेशन किया। उसके बाद में हमने देखा कि माइग्रेंट्स का इशू आया, जो अपने घर जाना चाहते थे, गांव जाना चाहते थे, वो तो उन लोगों के लिए हमने फूड्स पैकेट जो हमसे अरेंजमेंट्स हुए सारे अरेंजमेंट हमने किए जितना हो सका हमसे। हम अपने आप को सेफ रखते हैं और जैसे कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन इशू करी है अपने आप को सेफ रखने की, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। और मैं और मेरी टीम और सभी के लिए काम कर रही है, किसी का रिलीजन किसी का कास्ट देख के हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे पास आ रहा है अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रिलीजन का हो, हम लोग सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं।